वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, जो है सिक्स्थ चैप्टर मैथ्स वन का और महाराष्ट्र बोर्ड का है, और 6.2। इसके पहले मैं 6.1 कंप्लीट कर चुका हूँ, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर जाके देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 6.2 में ये है आपका, देखिए ध्यान से। इसमें सिर्फ आपको बताना है कि टैक्स पे करेंगे कि नहीं करेंगे। सबसे पहला मिस निकिता, देखो निकिता का एज 27 है, 27। अभी ये 80 के पहले आती है और उनको 5 लाख तक, मतलब 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, तो 2,34,000 कमाते तो इनको नो टैक्स है। क्या है? नो टैक्स, नो टैक्स। उसके बाद ये इनको देखो, मिस्टर कुलकर्णी को देखो, ये 3,27,000 कमाते, यानी 2,50,000 से ज़्यादा कमाते, और ये 36 एज के, यानी 80 से कम है। हाँ, 80 से 60 से कम है, तो इनको भी टैक्स, इनको टैक्स लगेगा टैक्स। अगर ये आपको मालूम नहीं पड़ रहा है तो मैंने बताया है आपको, जाके देख लेना एक बार वीडियो। ओके, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। मेहता को देखो, इनको भी लगेगा क्योंकि ये 44 ईयर्स के और 5,82,000 कमाते हैं, तो इनको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो 8,42,000 कमाते, भले ये 60 के ऊपर है तो 5 लाख तक उनको छूट है, और 8,42,000 कमाते तो उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। और इनका देखो 81,000 है, मतलब 81 साल के है, 80 से प्लस है, सुपर सीनियर सिटीजन, और 4,50,000, इनको 5 लाख तक छूट है, तो नो टैक्स। समझे? ये पूरा का पूरा टेबल पे बेस है, जो मैंने सिखा चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो में सिखा चुका हूँ, जाके ज़रूर देखना। अगर नहीं देखा है तो कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। हो गया? चलो रफ कर दे रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ। इसके बाद वाला सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, जरा ध्यान से देखना, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन रियल लाइफ में भी होते हैं, ये रियल लाइफ क्वेश्चन है। अगर मतलब यही असली तरीका है कि इनकम टैक्स काउंट होता है। अब देखो, तुम्हारे इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगता, ये याद रखना। तुम्हारे इनकम माइनस एक्सपेंस जो बचा है उस पर टैक्स लगता है। समझे? उस पर टैक्स लगता है। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले हो जाएगा नीचे, ज़रूर देखना। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मिस्टर कुलकर्णी। अब मिस्टर कुलकर्णी कोई है? मिस्टर कुलकर्णी, अब कुलकर्णी का एज है 48 ईयर्स। ओके, 48 ईयर्स, इन द प्राइ जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनी में। हिज मंथली इनकम इज़ डिडक्टेड अलॉटेड रुपीज़ 42,000। अभी मंथली इनकम, इनका मंथली इनकम कितना है? मंथली इनकम कितना है उनका? 42,000। तो साल का ईयरली कितना हो जाएगा? ईयरली ईयरली इनकम कितना हो जाएगा? ईयरली इनकम हो जाएगा 42,000 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 42 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, फाइव लाख 4,000। ओके, 5,04,000। अभी ये साल का कमाते हैं। अब देखो और क्या क्या करते हैं। अभी इनका एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस देखो, पहला एक्सपेंस क्या है इनका? सबसे पहला एक्सपेंस है कि एंड एवरी बॉर्न कंट्रीब्यूट रुपीज 3,000 जीपीएफ। अब देखो जीपीएफ में वो हर महीने 3,000 देते हैं, 3,000 देते हैं जीपीएफ में। हाँ, तो 3,000 देते, तो ईयरली कितना देंगे? ये मंथली देते हैं, तो ईयरली कितना देंगे? ईयरली कितना देंगे? 3,000 इंटू 12, तो कितना हो गया? 36,000। ओके, 36,000। अब सेकेंड देखो, सेकेंड वाला एक्सपेंस क्या है उनका? 50,000 वर्थ एनएससी। अभी हर साल वो 15,000 के बॉन्ड्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स यानी शेयर्स और ये सब, समझे? नेशनल सर्टिफिकेट वही है, बॉन्ड्स उसी के अंडर आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो थर्ड चीज़, हाँ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और डोनेट 12,000, 12,000 वो डोनेट भी करते हैं। पीएम
रिलीफ फंड में, पीएम फंड, जो गरीब लोगों के लिए दान देते हैं वो वाला फंड है ये 12,000। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, टोटल एक्सपेंस देखो कितना हो गया, टोटल एक्सपेंस है 36,000 बराबर, प्लस 15,000 प्लस 12,000, समझे। ये उसका साल का एक्सपेंस है, कितना हो गया देखो, 6 + 5 कितना हो गया, 5 + 5 10, 10 + 1 10 + 2 12 + 1 13, 1 कैरी 3, 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6, 63,000 हो गया। 63,000 टोटल एक्सपेंस हो गया, 63,000 बराबर। अब 63,000 का देखो, 63,000 का एक्सपेंस हुआ है तो जो इनकम टैक्सेबल अमाउंट है, क्या है, टैक्सेबल अमाउंट जो है वो जो उनका कमाई है, यानी 5,42,000 5,04,000 माइनस 63,000 होगा, समझे। क्यों, क्योंकि टैक्सेबल अमाउंट एक्सपेंसेस के बिना काउंट किया जाता है। तो कितना हो गया देखो, 4 - 3 = 1 40 कितना हो गया, 44 ना, 4,41,000 समझे। ये उनका टैक्सेबल अमाउंट है। अब टैक्सेबल अमाउंट पे देखो, अब टैक्सेबल अमाउंट पे 4,41,000 है। अभी ये टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट पे उनको अभी इनकम टैक्स कितना लगेगा देखो, इनकम टैक्स इसका एक फार्मूला था, इनकम टैक्स का फार्मूला था कि जितना अभी ये एज क्या है इनका, 48 है ये, तो मतलब 60 के नीचे वाले, तो इनको क्या लगेगा, 5% ऑफ इनकम टैक्स, सॉरी 5% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट 5% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट माइनस 2,50,000 है ना मेरे ख्याल से, एक बार मैं चेक कर लूँ, 2,50,000 ओके, टू लैख फिफ्टी टू थाउजेंड बराबर, 2,50,000 हो गया। अब देखो कैलकुलेट करो, 5% यानी 5/100 इंटू टैक्सेबल अमाउंट कितना है देखो, 4,41,000 4,41,000 माइनस 2,50,000। अब ये देखो, ये दो जीरो कट, 5 × 5 5 = 22 कैरी 0, 5 × 20 +2 = 22 5% 2,205 और ये डबल, दो जीरो बचे ना यहाँ पर, एक जीरो बचा है, और माइनस कितना करना, 2,50,000 25 रुको जरा क्या हो गया है, गड़बड़ हो गया देखो, रुको चलिए इसका आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या करना है, 2,50,000 अभी फॉर्मूला क्या है, ऑफ टैक्सेबल अमाउंट 5% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट माइनस 2,50,000, तो 5% मतलब 5/100 मल्टीप्लाई बाय क्या है, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, 4,41,000 माइनस 2,50,000 ओके 2,50,000 ये कितना हो जाएगा देखो, 5/100 मल्टीप्लाई बाय ये 3,000 ऐसे का ऐसा, फिर 41 ना 50 देखो 4,41,000 माइनस 2,50,000 देखो 1 - 0 = 1 4 - 5 नहीं हो सकता 3 14 हो गया यहाँ पर 14 - 5 कितना हो गया 9 3 - 2 1 1,91,000 ओके 1,91,000 अब करो ये जीरो कट 0 5 × 5 5 9 = 45 4 × 5 5 × 5 6 7 8 9 9 = 0 यह है इनकम टैक्स है
अब देखो बस इतना ही नहीं, इनकम टैक्स में और दो चीज़ें ऐड होती है, 2%, 2% ऑफ 9550, ये क्या है, ये एजुकेशनल टैक्स है, ये जो देना पड़ता है एजुकेशन टैक्स। तो कितना हो जाएगा एजुकेशन टैक्स, देखो 2/100 इंटू 9550, देखो 1010 कैंसिल, फिर 5 5 2 10, 5 1 5, 5 9 45, 5 1 5, 8 2 2, ये कैंसिल, 191 हो गया, 191 बराबर। ये आ गया एजुकेशन पे आपके टैक्स, बराबर ना। आ गया, फिर अभी 1%, 1% वापस 9550 पर, और ये कौन सा, ये हायर एजुकेशन टैक्स है, हायर एजुकेशन एजुकेशन टैक्स। अभी हायर एजुकेशन टैक्स देखो 1%, 1/100 मल्टीप्लाई बाय 9550, तो कितना हो जाएगा, 95.50। तो टोटल कितना होगा, टोटल टोटल टैक्स कितना होगा, टोटल टैक्स इज इक्वल्स टू क्या है, 9550, 9550 प्लस 191 प्लस कितना, 95.50 ना, 95.50, 0.0000, ये देखो 0 0 हो गया, ये 0.5 + 1 6, 9 1 9, 9 2 18, मतलब 9 + 9 + 5, 9 18, 19 20 21 22 23, 2 carry 3, 5 + 1 6 + 1 7, 9, 9736.50, 9736.50, ये है आपका टैक्सेबल अमाउंट। इतना आपको टोटल टैक्स देना है, कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो चलेगा, हो गया हो गया। चलो मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों चैप्टर में सिखा चुका हूँ, जाके ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो और सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट इस चैनल पर मिलता है। ओके चलो बाय।